बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 20 सेकंड के इस वीडियो में मनोज तिवारी बाइक की पिछली सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी के आसपास लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखी जा रही है, जिस वजह से मनोज तिवारी को काफी दिक्कत भी हो रही है। इस वायरल वीडियो पर कई तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनाव में अब सभी पार्टियों का फोकस पूर्वांचल की तरफ है। बीजेपी ने अपने दिग्गजों को पूर्वांचल में प्रचार के लिए उतार दिया है। इसी पर बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी भी 22 फरवरी को देवरिया के साथ साथ आसपास के कई जिलों में सभाएं करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रोड शो, डोर टू डोर कैंपेन के साथ सभाओं को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्हें कई तरह का विरोध भी झेलना पड़ा। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग मजे ले रहे हैं। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है मनोज तिवारी को जनता ने भगा दिया, तो वहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि मनोज तिवारी को कुछ लोगों ने घेर रखा है। इसके बाद पुलिस उन्हें सुरक्षित बाहर निकालती है और एक बाइक पर बैठा कर रवाना कर देती है। अब इस वीडियो पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा कि देवरिया में प्रचार करने आए मनोज तिवारी और रिंकिया के पापा को जनता ने सरपट रपटा दिया, पिटते पिटते बचे, गाड़ी छोड़ बाइक से जान बचाकर भागे। राष्ट्रीय लोकदल ने भी वायरल वीडियो को ट्वीट कर लिखा कि देवरिया की जनता द्वारा मनोज तिवारी का भव्य स्वागत। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी वायरल वीडियो पर जमकर ट्वीट किया। सपा नेता मनोज काका ने लिखा कि मनोज तिवारी यूपी में आए थे सभा करने, देवरिया के लोगों का आक्रोश देख बाइक पर दबे पांव भाग निकले, पुलिस वालों ने किसी तरह उन्हें बचाया। अब इस वायरल वीडियो की सच्चाई को जाने तो देवरिया के बरहज में चुनाव प्रचार के बाद मनोज तिवारी ने हेलीपैड तक पहुंचने के लिए बाइक को चुना था। बाइक के आसपास भीड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं की है, जो मनोज तिवारी के साथ सेल्फी लेना चाहते थे। पुलिस की माने तो इस हेलीपैड तक पहुंचने के लिए कहीं भी मनोज तिवारी को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।